ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों, होली के टाइम आने वाले हैं और इस टाइम से ही तत्काल टिकट बुक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रहा है तत्काल टिकट बुक करने में, पेमेंट को लेकर, क्योंकि हम लोग जब पेमेंट ऑप्शन पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शन मेरे को देखने को मिलता है। तो कुछ लोग यहाँ का मिस्टेक कर जाते हैं, पेमेंट ऑप्शन सही नहीं सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में दो ऐसे पेमेंट ऑप्शन के बारे में बात करूँगा जिससे आप लोग इजीली तरीके से तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट पेमेंट करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तत्काल में, तो आप लोगों को एक मिनट पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को काफ़ी जो यहाँ पे मिस्टेक होता है, IRCTC पेज या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट हो जाता है। तो आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म स्टेशन इसके बाद 2 स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्च ट्रेन पे आप लोगों को 11:01 या 2 मिनट में, सॉरी, आप लोगों को 11:02-3 सेकेंड पर आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। ट्रेन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद पैसेंजर डिटेल फिल करना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है, यदि आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं तो। इसके बाद आप लोगों को एक कैप्चर फिल करना होगा। कैप्चर फिल करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है, ज़्यादातर फर्स्ट नंबर की बात किया जाती है। यहाँ पर आप लोगों को पेटीएम से पेमेंट करना है और आपको वॉलेट सेलेक्ट करना है। यदि आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आप लोगों को 2 से 3 सेकंड के अंदर में आप लोगों को मोबाइल फ़ोन पे OTP आ जाएंगे। OTP आपको फिल करते ही जैसे सबमिट करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएंगे कंफर्म। और काफ़ी लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता है, तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने में आप लोगों को डेबिट कार्ड का डिटेल फिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग टिकट बुक करते हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और पासवर्ड OTP आने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। या फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पे UPI से पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। UPI सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पे आप लोगों को UPI पिन डालना है। आप लोगों को ये बात बता दो, जब भी आप UPI से पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को कोशिश कीजिए पासवर्ड भी आपको सिंपल पासवर्ड रखना है, जिससे कि ईजिली तरीके से आप लोग तत्काल टिकट बुक कर सके। करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपको पेमेंट्स कैसे करना है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।